नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। उन्नाव के विकासखंड बिछिया की ग्राम पंचायत ओरहर के जूनियर और प्राइमरी कंपोजिट विद्यालय की हालत बेहद जर्जर हालत में पहुंच गई है। हालत ये है कि मासूम बच्चे अपनी जान हथेली पर रख कर यहाँ पढ़ाई करने को मजबूर हैं। बता दें, जिले के कई स्कूलों की इमारतें जर्जर हो चुकी हैं, स्कूलों की छत और लिंटर में पड़ चुकी हैं दरारें। बारिश के मौसम में छत से पानी टपकता रहता है, दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें हैं जिससे पानी अंदर घुसता रहता है। ऐसे में वहां पढ़ रहे मासूम बच्चों के ऊपर खतरा मंडराता रहता है और बच्चे अपनी जान हथेली पर रखकर यहाँ पढ़ाई करने आते हैं। सरकार और जिम्मेदार अधिकारी स्कूलों को हाईटेक और मॉडर्न बनाने का दावा करते हैं, लेकिन स्कूल की ये हालत तो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। उन्नाव के ओरहर के प्राथमिक विद्यालय का हाल देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस सच्चाई को दिखाने जब हमारे रिपोर्टर रणविजय यादव स्कूल पहुंचे तो कुछ इस तरह का भयावह नजारा देखने को मिला। इस पूरे मामले से स्कूल के प्रधान अध्यापक ने कई बार शिक्षा विभाग और जिला अधिकारी को अवगत कराया, लेकिन अधिकारियों द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे बच्चों के ऊपर जान का खतरा बराबर बना हुआ है। ए न्यूज टुडे के माध्यम से प्रधानाचार्य ने स्वयं अधिकारियों को जगाने का प्रयास किया है। बहुत ही गड़बड़ है, प्राइमरी जर्जर है, जूनियर गड़बड़ है, इतना जर्जर हो गया है कि बच्चों के बैठने की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है और ना पानी पीने की व्यवस्था है, ना लाइट है, ना चार दीवारी है, कोई सुरक्षा नहीं है। सुना है आपने ऊपर तक जो है वो अभी हमने डीएम को दिया था, अभी अप्रैल में एप्लीकेशन गई थी, फोन भी आया था, लेकिन फिर काम कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और आपने अपने विभाग में बताया शिकायत की? खंड शिक्षा अधिकारी बिछिया में भी सूचना जा चुकी है, जिला स्तर पर भी जा चुकी है, प्रधान जी को भी सूचित है, लेकिन कोई नहीं। सीडीओ के यहाँ भी, वहाँ एडीओ पंचायत के यहाँ भी और पंचायत सेक्रेटरी भी आके देख गए हैं, लेकिन कार्य कुछ नहीं हुआ। उन्नाव से रणविजय यादव की ये खास रिपोर्ट।